खबर पौड़ी से। कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त को कोटद्वार मंडी समिति के अध्यक्ष ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में व्यवधान करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। कोटद्वार नगर निगम किशन सिंह नेगी सुबह मंडी समिति के अंदर अवैध रूप से पॉलिथीन का प्रयोग करने की सूची पर पहुंचे। कोटद्वार आयुक्त से भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं मंडी समिति कोटद्वार के अध्यक्ष ने गाली गलौज की, इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में चल रहा है। कोटद्वार नगर निगम आयुक्त अधिकारियों के साथ कोटद्वार मंडी समिति में व्यापारी सब्जी व फल में प्रतिविध पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे थे। अवैध रूप से पॉलिथीन का प्रयोग करने को जब्त करने गए कोटद्वार आयुक्त को व्यापारियों व मंडी समिति के अध्यक्ष की विरोध झेलना पड़ा। नगर आयुक्त कोटद्वार को मंडी समिति विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त जब उक्त विषय में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मंडी समिति के अध्यक्ष ने पहले तो मंडी समिति का गेट बंद कर दिया और थोड़ी सी नोकझोंक हुई सरकारी कार्य में व्यवधान करने पर विभागीय कार्यवाही करने से मना कर दिया। मैं मंडी परिषद के अंदर आया था जो हमारे कोटद्वार में है, मैंने सभी लोगों को आगाह करने के लिए आया था कि पॉलीथीन का प्रयोग खत्म ना करें। तभी हमारे मंडी परिषद के चेयरमैन साहब श्री कोडनाले जी आए थे, तो कोडनाले जी से हमारी हल्की फुल्की बहसबाजी हो गई थी, फिर इन्होंने गेट बंद कर दिया था। फिर उसके बाद कोडनाले जी ने कहा फिर गेट खोल दीजिए, गेट खोल दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। पुलिस तो भाई पुलिस का तो चूली दामन का साथ रहता है, नगर निगम पुलिस प्रशासन, इसमें तो पुलिस तो आम बात है। ये तो खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।